नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब नहीं लगाने होंगे थाने और ऑफिस के चक्कर। पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए खुशखबरी, अब एम पासपोर्ट ऐप से वेरिफिकेशन का काम आसानी से करवाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय की तरफ से पासपोर्ट पुलिस ऐप को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बाद पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च होते ही तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, चंडीगढ़ और आंशिक तौर पर यूपी और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में भी पासपोर्ट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। गृह सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी एस के सिंघल, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, एडिशनल डीजीपी जितेंद्र गंगवार ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के समय सभी जिलों के आईजी और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। शुरुआत में पटना जिले में एम पासपोर्ट पुलिस ऐप से वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। वाल्मीकि नगर के गंडक बराज से छोड़ा गया 3.07 लाख क्यूसेक पानी। वाल्मीकि नगर के गंडक बराज से गुरुवार को 3.07 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दो दिन से हो रही लगातार बारिश से बाढ़ की संभावना भी बढ़ने लगी है। दियारा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। नेपाल के तराई इलाके में भारी बारिश होने की वजह से गंडक नदी का जलस्तर तेजी से लाल निशान की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिला प्रशासन ने बांधों पर 24 घंटे मुस्तैदी बढ़ा दी है। इसके साथ ही SSB के झड़ा हवा टोला POP में भी पानी घुस गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक लगातार बारिश का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है, जिसके बाद बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। साथ ही स्थानीय लोगों के बीच में भी अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पटना जिले में विशेष कैंप लगाकर मतदाता सूची के नाम जोड़ने की शुरू हुई तैयारी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को वोटरों को लेकर लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर तैयारी चल रही है और इस अभियान के कारण अब तक 34,218 वोटों की संख्या बढ़ गई है, जिसमें प्रवासी वोटरों की संख्या में 6,257, प्रवासी श्रमिकों की संख्या 26,560 है, जिसमें से 18,204 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में है, पहले से दर्ज है। COVID-19 सेंटर से दर्ज प्रवासी श्रमिकों के नाम के आधार पर उन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2020 की पात्रता तारीख के अनुसार पुरुष वोटर की संख्या 24,51,902 पर पहुंच गई है। महिला वोटरों की संख्या 22,18,614 पर पहुंच गई है। पटना जिले में वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने के लिए 27 सितंबर को विशेष कैंप की शुरुआत की जाने वाली है। इसके बाद अंतिम नोटिस जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने 38 जिलों के अधिकारियों को ईवीएम को लेकर दिया आदेश। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने राज्य के सभी 38 जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईवीएम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत बैठक में जैन ने जिलों में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग की समीक्षा की। साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के करीब 2 लाख ईवीएम मंगवाए गए हैं। अधिकारियों की माने तो राज्य के सभी जिलों में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग की जा रही है। जिन जिलों में जांच के दौरान त्रुटियां पाई गई है उनको आयोग ने रिप्लेस करने का निर्देश दे दिया है। अगले 72 घंटों तक बिहार में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की जताई गई संभावना। बिहार में एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर सतर्कता जारी कर दी है, जिसके तहत मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 72 घंटों में भारी बारिश और कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। कुछ जगह के तो रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिन इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है वहां लोगों से बारिश के दौरान घरों में रहने की नसीहत दी गई है। इसके साथ ही बिजली और परिवहन व्यवस्था भी इस दौरान बाधित हो सकती है। नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी होने की आशंका है। लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम का मिजाज भी काफी ज्यादा बदला नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, जलजमाव की स्थिति एक बार फिर से बिहार के कई जिलों में नजर आ रही है। पटना समेत कई जिलों में जलजमाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मकानों पर अब लगाया जाएगा QR टैग। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के तहत राजधानी के लोगों को अब मोबाइल पर कचरा गाड़ी का लोकेशन आसानी से मिल जाएगा। घरों और दुकानों पर विशेष QR कोड लगाया जाएगा, जिससे कचरा उठाकर नगर निगम मुख्यालय में बनने वाले विशेष कंट्रोल रूम पे नजर रखी जाएगी। इसके लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भी टी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से करार कर लिया। इस परियोजना पर लगभग 13 करोड़ का खर्च आएगा। इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत एक मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से लोग कचरा गाड़ियों के लोकेशन शुल्क का भुगतान करेंगे, तमाम तरह की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इसकी मदद अपनी शिकायत और फीडबैक भी वरीय अधिकारियों को दे सकेंगे। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मीडिया से पूछे सवाल। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कुछ दिनों पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, जिसके बाद उनके राजनीति में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि पहले तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इन सभी बातों को दरकिनार कर दिया था, मगर अब उन्होंने लोगों से और मीडिया से उल्टा सवाल पूछा है, जिसके तहत उन्होंने 5 महीने पहले VRS लेने के बाद कहा कि क्या चुनावी मैदान में उतरना गलत है, अगर मौका मिला तो वो चुनाव में जरूर आएंगे, क्योंकि वो राजनीति के माध्यम से
लोगों की सेवा करने में यकीन रखते हैं और राजनीति तो लोगों की सेवा करने का सबसे बड़ा मंच है। सोशल मीडिया पर मेरी कहानी मेरी जुबानी शीर्षक के तहत लोगों के साथ संवाद करते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि अगर मौका मिला और इस योग्य समझा गया तो मुझे राजनीति में आना चाहिए तो मैं आ सकता हूं। पटना हाईकोर्ट के कामकाज को लेकर 29 को होगा निर्णय। कोविड-19 के कारण पटना हाईकोर्ट में जारी कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित रहा है। वहीं पटना हाईकोर्ट को वर्चुअल या फिजिकल माध्यम से चलाना है इसका फैसला 29 सितंबर को लिया जाएगा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट को लेकर असमंजस की स्थिति बनती देखी जा रही थी, जिसके बाद 29 सितंबर को इस बात का निर्णय ले लिया जाएगा कि कोर्ट को किस माध्यम से चलाया जाना वर्तमान समय में सही है। कोविड-19 के कारण हाईकोर्ट मार्च से वर्चुअल तौर पर हालांकि चलाया जा रहा है, ना तो न्यायाधीश जाते हैं ना ही वकील। मुकदमा दायर करने का तरीका भी बदल गया है। वकील ईमेल से मुकदमा दायर कर रहे हैं। बुधवार को चीफ जस्टिस संजय करोल, जस्टिस दिनेश कुमार सिंह और जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की फुल बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है। बिहार में जमीन दाखिला खारिज के नियमों में एक बार फिर हुआ बदलाव। बिहार में दाखिला खारिज करने के नियमों में बदलाव किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दाखिला खारिज करने में अब दोगुना वक्त लगने वाला है। अगर आवेदन सही और कोई आपत्ति नहीं हुई तो पहले कम समय के लिए 18 दिन में काम पूरा हो जाता था। नई व्यवस्था लागू होते ही यह समय बढ़कर 35 दिन हो जाएगी। नई व्यवस्था में आवेदन के बाद जाने से लेकर सभी स्तर तक की कर्मियों के लिए समय सीमा तय कर दी गई है, लिहाजा हर हाल में इन्हें इस अवधि में संचिका का निष्पादन करना होगा। इसी के साथ ही आवेदक के लिए अपील की समय सीमा भी 60 दिन से बढ़ाकर 75 दिन कर दी गई है। राज्य सरकार ने बिहार भूमि दाखिला खारिज नियमावली में एक बार फिर बदलाव कर दिया है। पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एसके सिंघल ने सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश। अपना कार्यभार संभालते ही नए डीजीपी एसके सिंघल पूरी सतर्कता के साथ काम करते नजर आ रहे हैं और उनका इरादा भी साफ हो चुका है। डीजीपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि पुलिस की छवि को बर्बाद करने वालों के खिलाफ सख्ती से आया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जिम्मेदारी का निर्धारण अब सिर्फ नीचे के अफसरों पर ही नहीं बल्कि गेजेटेड रैंक के अफसरों पर भी होगा, जिसमें डीएसपी और एसडी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही डीजीपी ने बुधवार को मुख्यालय के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और आगे की रणनीति भी तय कर दी है। डीजीपी ने कहा है कि अब प्रतिदिन होने वाली गिरफ्तारी की भी मॉनिटरिंग होगी, साथ ही 48 घंटे पर मुख्यालय में सभी अप्रिय वाक्यों की पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। पटना पहुंचे बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने केंद्र सरकार को लिया निशाने पर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल बुधवार को पटना पहुंच चुके हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो कृषि विधेयक लाई है वो एक काला कानून है और उसे सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा मिलने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में भी कांग्रेस का विरोध करेगी और कृषि रथ बनाकर किसानों को इस काले कानून को समझाया भी जाएगा कि महात्मा गांधी ने किसानों के लिए चंपारण से मुहिम की शुरुआत की थी। इस काले कानून से सिर्फ और सिर्फ विरोध किया जाएगा। राजद के लिए एजेंसी क्षेत्र में शुरू हुआ सर्वे का काम। राष्ट्रीय जनता दल के पास आए 11,000 से अधिक बायोडेटा की स्क्रूटनी शुरू हो गई है। स्क्रूटनी कर रही टीम से अपेक्षा की गई है कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों का नाम राज्य संसदीय बोर्ड के सामने पेश करे, जिसमें 3 उम्मीदवारों का नाम रखना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद राज्य संसदीय बोर्ड इनमें से कोई एक नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सामने पेश करेगी। राजद की रणनीति है कि उम्मीदवार चयन की समूची औपचारिकताएं पूरी कर ली जाए ताकि जैसे ही आचार संहिता की अधिसूचना जारी हो सूची जारी करके चुनावी मुहिम की शुरुआत की जाए। पार्टी सूत्रों अनुसार 11,000 में से 750 बायोडाटा ही सिलेक्ट किए जाएंगे। जानकारों की माने तो पार्टी निजी एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट ही बताएगी कि किस विधानसभा क्षेत्र में राजद को किस तरह का प्रत्याशी उतारना चाहिए। साथ ही राजद के अंदरूनी टीम की रिपोर्ट भी इस हफ्ते आने की उम्मीद जताई गई है। इसके बाद ही प्राथमिकता वाले उम्मीदवारों की सूची राज्य संसदीय बोर्ड तक पहुंचाई जाएगी। धोनी और तेंदुलकर के बाद अब सौरभ गांगुली पर जल्द बनेगी बायोपिक फिल्म। महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर पर बनाई गई बायोपिक के बाद अब बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली की जीवनी पर बायोपिक बनाई जानी है। मिली जानकारी के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन, आनंद कुमार के बाद टीम इंडिया के कामयाब कप्तान में शुमार सौरभ गांगुली का रोल करने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। अगर ऐसा हुआ तो जल्द ही ऋतिक रोशन क्रिकेटर के रोल में नजर आएंगे। आपको बता दें सौरभ गांगुली ने अपने बायोपिक को लेकर के ऋतिक रोशन को सलाह भी दी है। एक चैट शो में जब नेहा धूपिया ने सौरभ गांगुली से पूछा था कि उनका बायोपिक के बारे में क्या ख्याल है तो उनका जवाब था कि ऐसा कोई नाम अभी नहीं जहन में आ रहा है जो उनका रोल निभा सके, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि ऋतिक का नाम लेते हुए कि अगर वो उनका रोल निभाना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उनकी तरह बॉडी बनानी होगी। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 57 लाख के पार। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 86,508 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 57,32,518 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 1,129 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या 91,149 पर पहुंच गई है। हालांकि मंत्रालय ने देश में रिकवरी दर के ज्यादा होने की बात बताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई रिपोर्ट के माने
अब तक 46,74,987 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन का साथ छोड़ देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।